ना तो उन्हें कोई प्रिय है ना तो अप्रिय, ना तो कोई उनका आत्म स्वयं है और ना तो कोई शत्रु, उनकी उपेक्षा का भी पात्र कोई नहीं है। फिर भी जैसे कल्प वृक्ष अपने निकट आकर याचना करने वालों को उनकी वो मांगवी वस्तु देता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भी जो उन्हें जिस प्रकार भजता है उसे उसी रूप में भजते हैं। जैसे कल्प वृक्ष अपने निकट आकर याचना करने वालों को उनकी वो मांगी वस्तु देता है, वे प्रेमी भक्तों से ही पूर्ण प्रेम करते हैं, वे अपने प्रेमी भक्तों से ही पूर्ण प्रेम करते हैं। मैं उनके सामने विनीत भाव से सिर झुकाकर खड़ा हो जाऊंगा और बलराम जी मुस्कुराते हुए मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे और फिर मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे घर के भीतर ले जाएंगे, वहां सब प्रकार से मेरा सत्कार करेंगे। इसके बाद मुझसे पूछेंगे कि कंस हमारे घर वालों से कैसा व्यवहार करता है। इस विजय जी कहते परीक्षित सफल नंदन अक्रूर मार्ग में ही चिंतन से डूबे डूबे, सफल नंदन अक्रूर मार्ग में ही चिंतन में डूबे डूबे रस नंदगांव पहुंच गए और सूर्य अस्ताचल पर चले गए, शाम हो गई। जिनके चरण कमल की रक्षा सभी लोकपाल अपने किरीटों के द्वारा सेवन करते हैं, अक्रूर जी ने गोष्ठ में उनके चरण चिन्हों के दर्शन किए। कमल यव अंकुश आदि असाधारण चिन्हों के द्वारा उनकी पहचान हो रही थी और उनसे पृथ्वी की शोभा बढ़ रही थी। उन चरण चिन्हों के दर्शन करते ही अक्रूर जी के हृदय में इतना आह्लाद हुआ, इतना आनंद आया कि वह अपने संभाल नहीं सके, विमल हो गए। प्रेम के आवेश सुनता रोम रोम खिल उठा, नेत्रों में आंसू भरा तप्तक तरसने लगे, वे रथ से कूद कर उस धूलि में लौटने लगे और कहने लगे, अहो यह हमारे प्रभु के चरणों की रथ है। परीक्षित कंस के संदेश से लेकर यहाँ तक अक्रूर जी के चित्र की कैसी अवस्था रही है, यही जीवों के ध्येय धारण करने का परम लाभ है। कंस के संदेश से लेकर यहाँ तक अक्रूर जी के चित्र की जैसी अवस्था रही है, यही जीवों के ध्येय धारण करने का परम लाभ है। इसीलिए जीव मात्र का यही परम कर्तव्य है कि दंभ भय और शोक